हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो नोटिफिकेशंस रिलीज हुआ है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने फॉर्म को फिलअप कर दिया होगा। इसमें सभी डिप्लोमा होल्डर्स स्टूडेंट एलिजिबल थे जैसा कि मैंने बताया था नोटिफिकेशन वाले वीडियोज में। तो बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि सर किस तरह से इसका प्रिपरेशन करें, कि स्ट्रेटेजी वाले वीडियोज आ जाएंगे ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि हम लोग उसको देख करके अच्छे समझ पाए। हालांकि बहुत सारे स्ट्रेटेजी वाले वीडियोज भी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, लेकिन होता क्या है ना, यूट्यूब पे सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब तो किए रहते नहीं है सभी स्टूडेंट, तो वो सभी को सर्च में एक बार में आता नहीं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट का भी वीडियो सब आते रहते हैं यूट्यूब पे। तो मेरा वाला जो यूट्यूब का चैनल है वो चूंकि छोटा है, तो जैसे ही वीडियोज को अपलोड करता हूँ तो वो चीजें सर्च बार में फर्स्ट टाइम ही फर्स्ट नंबर पे नहीं दिखता है। लेकिन यही चीजें कुछ दिन के बाद जब सेल इंटरनेशनल का ही मतलब जैसे कि 100+ वीडियो अगर अपलोड हो जाएंगे फिर दिखने लगेंगे। तो इस वजह से ऐसे में बहुत ज्यादा बार एक ही टॉपिक पे वीडियोस को बनाना पड़ता है ताकि आप सभी के पास कंटेंट जो है पहुंच पाए। और वीडियोस बनाने के बाद भी अगर नहीं पहुंच पाता है सभी स्टूडेंट के पास, तो वो जिन स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच पाता है वो लोग को फिर से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि सर वही टॉपिक पे वीडियोस बनाइए। हालांकि मैं बहुत बार लिंक शेयर करवा देता हूं अपनी टीम से, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि नए नए स्टूडेंट भी जुड़ते रहते हैं पर डे के बेसिस पे, तो इस वजह से टॉपिक रिपीट हो भले लेकिन वो प्रिपरेशन के रूप में ये प्रिपरेशन रिलेटेड है। तो आज हम लोग जानेंगे डिटेल में किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको सेल एग्जामिनेशन का। तो अगर आप लोग एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशन को पाने के लिए, ताकि अगला वीडियोज आए तो आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके और सब स्टूडेंट की तरह नहीं हो कि वीडियोज अपलोड हो भी रहे हैं सेम टॉपिक में जिस टॉपिक पे आपको रिक्वेस्ट रहता है और वो टॉपिक का वीडियो अगर अपलोड हो तो आपको पता भी नहीं चले। तो आज का जो मेन मुद्दा है कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी। और आप यहाँ पे देखते होंगे कि येलो पट्टी में पीला कलर की पट्टी में लिखा हुआ है सिलेक्शन लिए हैं सिलेक्शन दिलाएंगे। तो इसका जो है बेसिकली मतलब ये है कि मैंने खुद जो है सेल एग्जामिनेशन को 3 times दिया है, जैसे सेल राउरकेला, सेल बर्नपुर और सेल बोकारो, तीनों एग्जामिनेशन का रिटर्न एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन जो होता है उसको भी हमने दिया है। तो ये सभी चीजों को पूरा फाइनली देखने के बाद जो है आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको जो सजेशंस दे रहा है ये ऑलरेडी इस एग्जामिनेशन को अच्छे से क्वालिफाई किया है, इस एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करने का बेसिकली एक्सपीरियंस है इसके पास, कभी ना कभी ये प्रिपरेशन किए होंगे। तो डेफिनेट सी बात है मैंने प्रिपरेशन किया है, बहुत सारे एग्जामिनेशन अच्छा अच्छा एग्जामिनेशन दिया है और भी एग्जामिनेशन को हमने क्रैक किया है, बट इस एग्जामिनेशन का चूंकि अभी बात कर रहे हैं तो अभी यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे इस एग्जामिनेशन के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे करनी चाहिए तैयारी। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब मैंने इस एग्जामिनेशन को दिया था तो उस वक्त जो होता था कि 50 मार्क्स का जो टेक्निकल और 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल वाला कॉन्सेप्ट नहीं था जो आज है। पहले क्या था, पहले था क्या कि 80 मार्क्स का टेक्निकल रहेंगे और 20 मार्क्स के नॉन टेक्निकल रहेंगे, तो ऐसा होता था और ऑफलाइन पेपर हुआ करते थे उस वक्त। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन हो रहा है, यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं। ये भी क्यों हुआ है, मेरे ही टाइम से स्टार्ट हुआ था, लास्ट टाइम जब मैंने ऑफलाइन एग्जामिनेशन दिया था उसके बाद से ये ऑनलाइन हो गया, क्योंकि कारण ये है कि पेपर लीक हो गया था। और पेपर लीक आप लोग जानते ही हैं इंडिया में बहुत कॉमन चीजें हैं, कभी यूपी पुलिस का पेपर लीक होता है, कभी इधर और सब वेरियस टाइप्स के एग्जामिनेशन के पेपर लीक होते रहते हैं, आप लोग सुनते ही हैं, है ना। तो कभी सेल बोकारो के भी पेपर लीक हुए थे जब हम एग्जामिनेशन देने गए थे तो सेंटर पर से लौट करके आए थे, धांधली हुआ था। कभी पावर ग्रिड का पेपर लीक हो जाता है, तो लीक होना पेपर में बहुत कॉमन सी बातें हैं इंडिया में, जो कि बहुत दुखद बातें हैं। इतना इजीली इजी वे में तो 20 रुपया का डायपर भी बच्चा का लीक नहीं होता है जितना तेजी से बिहार का या फिर यूपी का पेपर लीक हो जाता है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का। ये दुखद बात है थोड़ा सा, इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आते हैं पॉइंट पे, यहाँ पर जो है कि बेसिकली ये जो पेपर लीक का कॉन्सेप्ट खत्म होने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन लाया गया, तो एग्जामिनेशन पैटर्न में भी बदलाव किए गए हैं। वो पैटर्न में बदलाव होने का क्या मकसद है, बेसिकली 50 मार्क्स का जनरल नॉलेज यानी कि जनरल एप्टीट्यूड कर दिया गया है और 50 मार्क्स का टेक्निकल कर दिया गया है। जनरल एप्टीट्यूड के यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स मतलब नहीं है, जनरल एप्टीट्यूड का मतलब है कि आपको इंग्लिश भी पढ़ने पड़ेंगे, रीजनिंग भी पढ़ने पड़ेंगे और जनरल अवेयरनेस भी पढ़ेंगे, बट सबका मार्किंग पैटर्न अलग अलग है। अगर सिलेबस को एक नजर में हम लोग देखें तो यूं ही मैं ओरली बता देता हूं आप सभी को, जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन जो है उसमें 10 मार्क्स के इंग्लिश पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के जनरल नॉलेज जीके रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, सेल रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, सेल के चेयरमैन कौन है या फिर इसी तरह से सेल के रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, राइट, या फिर करंट अफेयर्स में कुछ नेशनल इंटरनेशनल लेवल का कुछ बड़ा हुआ है तो पूछे जाएंगे।
तो 10 मार्क्स के जीके, 10 मार्क्स के इंग्लिश और 15-15 मार्क्स के मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग कितने में कितने मार्क्स के, 15-15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका 50 मार्क्स बचता है, 50 मार्क्स में आपका टेक्निकल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टेक्निकल से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, आपका ब्रांच तो कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी ब्रांच से हैं आप, 50 मार्क्स का टेक्निकल का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके इस एग्जामिनेशन में। अब जो बच्चे चाहते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, कोई पेड बैच का सर्च कर रहे हैं, तो आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, हमारा SK ट्यूटोरियल ऐप है और उसपे पेड बैच चल रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है फॉर्म को फिलअप करके और अपना प्रिपरेशन को शुरू कर दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं प्रिपरेशन करने के लिए ठीक ढंग से, सिस्टमेटिक वे में सेल एग्जामिनेशन का, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं हमारे पेड बैच में, ज्वाइन होकर के प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। तो ज्वाइन होने के लिए अभी डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को और आप लोग बैच में ज्वाइन होकर के अपना प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं सेल एग्जामिनेशन के लिए। और इसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ाए जाएंगे। टेक्निकल में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन अभी तीन ही ब्रांच वालों के लिए स्टार्ट हुआ है सेल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन के लिए। तो अभी ये तीन ब्रांच वाले बच्चे जो हैं बेझिझक, बिना कोई टेंशन लिए आप लोग ज्वाइन होकर के अपना प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं SK ट्यूटोरियल के साथ। और किसी भी तरह का क्वेश्चंस, डाउट, कंफ्यूजन अगर आपको इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहता है और है, तो आप लोग इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपका कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा, यानी तो मेरी टीम आपको रिप्लाई दे देगी। तो इसी विचार के साथ उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गया होगा। तो प्रिपरेशंस कैसे करें ये मुद्दा है, तीन पॉइंट में बताऊंगा, वही तीन पॉइंट को फॉलो करना है। पहला पॉइंट, पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, सिलेबस का बेसिक टॉपिक्स जो है उसको पहले कवर करनी है अच्छे से। तो पहला पॉइंट क्या है, बेसिक्स क्लियर करने हैं। दूसरा पॉइंट, जब आपका सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाए, तब आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। इस एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे SK ट्यूटोरियल ऐप पे, मॉक टेस्ट PDF के रूप में अभी फिलहाल रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यों ज्यों ज्यादा होते चलेंगे तो रियल एग्जामिनेशन वाला पैटर्न भी आपको कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तरह भी दिखने लगेगा। नहीं तो और सब भी हैं प्लेटफॉर्म जहां पे सिर्फ टेस्ट को प्रोवाइड करते हैं, वहां से भी आप लोग ले सकते हैं, बहुत सस्ते में मिल जाता है। इसके बाद टेस्ट सीरीज के लगाना है, 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कमी जो है टेस्ट सीरीज ही बताता है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर रिवीजन किया है तो भी इस टॉपिक में आपका कमी है, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस लेवल के पूछते हैं, इस तरह के पूछे जाते हैं, वो सारा चीजें आपको टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। अब जो मन सो रेंडमली किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज नहीं उठा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो कि जान करके टेस्ट सीरीज को इतना भास्ट बना देते हैं कि बच्चा डर जाए पहले की, अरे इतना भारी भारी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए सही टेस्ट सीरीज का चयन आप तब कर पाएंगे जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट आप होता है, एक फ्री मॉक टेस्ट होता है, उसको आप देखिए, और उसका डिसीजन आप कब ले पाएंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले पिकअप करिए, सिलेबस को पिकअप करिए, दोनों को देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का क्या लेवल है, और सिलेबस को देखिए अच्छे से। दोनों को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, जिस तरह से कह सकते हैं कि गाड़ी का हेडलाइट जलने के बाद रोड पूरा क्लियर साफ साफ दिखाई पड़ता है ना, सेम उसी तरह से अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस आपके पास रहेगा और आप दोनों चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये चीजें आप सभी को फॉलो करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट सीरीज कैसा है, आपके लेवल का है कि नहीं है, या फिजूल का, झूठ मूठ का टेबल लेवल को बढ़ा दिया गया है। तो ये सभी चीजों को देखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी चीजों को समझ गए होंगे। अगर आप SK ट्यूटोरियल के साथ जुड़ते हैं तो आपको सब चीजें जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और सभी चीजें रियलिस्टिक एग्जामिनेशन की तरह ही देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं कि जान करके भयावह दिखा रहे हैं। बट जितना पढ़ाएंगे एग्जामिनेशन रिलेवेंट पढ़ाएंगे, चूंकि ये बैच जो है सिर्फ और सिर्फ सेल ओरिएंटेड बनाया गया है, तो सेल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी एनालिसिस करवाएंगे हम वीडियो सेक्शन में ही, यूट्यूब पे नहीं, ऐप पे। तो सभी बच्चे वहां पे जुड़ जाइएगा, यूट्यूब पे भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि, बट फुल वीडियो हो सकता है नहीं आ पाए। मुझे भी मैनेजमेंट चलाने के लिए थोड़ा बहुत आप सभी का जरूरत होती है,
मॉनिटरी हेल्प आप सभी से। तो आप लोग एडमिशंस लेकर के प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे ठीक ठीक ठाक से हो जाता है। यूट्यूब पे उतना बच्चों को वैल्यू भी नहीं रहता है चीज़ों को, जब ऐप में आते हैं तो वहाँ पे सारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है सारा बच्चों का, तो वो सीरियसली वहाँ पे फोकस करते हैं। तो यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोज आएंगे, ऐसा नहीं नहीं आएंगे, बट ऐप पे आपको सब कुछ सिस्टमेटिक वे में पीडीएफ नोट्स क्लासेस सभी चीजें वहां पर मिलेंगे। तो ये सभी थी सब कुछ बातें। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।